व्हाट इज मसाला बॉन्ड? सबसे पहले मसाला का नाम आते ही आपको इंडिया के मसाले ध्यान आते हैं, एमडीएच मसाले कोई कह रहे हैं, कोई कह रहा है मसाला क्या होता है, मिर्ची भी एक मसाला है, धनिया और क्या, जीरा, हल्दी, ये सब मसाले हैं। तो मसाला बॉन्ड क्या होता है? फ्लेवर ऑफ द मोमेंट है ये मसाला बॉन्ड। पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करता हूं आपको कि मसाला बॉन्ड क्या होता है। अगर एक कंपनी, इंडिया की एक कंपनी, अगर मान लीजिए HDFC हाउसिंग एक कंपनी है इंडिया की, वो मान लीजिए उसको 100 रुपए चाहिए, कितने चाहिए 100 रुपए चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए 100 रुपए, यस और नो? क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया में घर बनाएंगे, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे, इसलिए उन्हें 100 रुपए लोन चाहिए। अब उनके पास क्या क्या ऑप्शन है जरा देखते हैं। या तो वो इंडियन इन्वेस्टर से ही पास जाए, वो इंडियन इन्वेस्टर के पास जाए, इंडियन इन्वेस्टर के पास जाए, इनको ऑफर करे, ये 100 रुपए देंगे और बदले में इन्हें 10% के आसपास इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस और नो? फाइन, एकदम यही होता है चैनल। अब इसमें क्या क्या खामियां हैं? खामियां यह है कि इंडियन इन्वेस्टर लोगों को 10% तक हमें ब्याज देना पड़ता है और कोई कोई तो 10% में भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपको यह हैरानी होगी जानकर कि अमेरिका जैसी कंट्री में मात्र 1% ब्याज है, 1% इंटरेस्ट है। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में, जापान जैसी कंट्री में 0.2% इंटरेस्ट है और उससे भी कम। तो कहने का मतलब है कि HDFC को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर इंडिया से लोन उठाती है तो। प्लस इंडिया से जब लोन उठाते हैं तो बहुत सारे इसमें लीगल इश्यूज आते हैं, बहुत सारे कंप्लायंस करनी होती है। तो HDFC सोचता है मैं इंडिया से लोन नहीं उठाऊंगा, मैं कहीं और से लोन उठाता हूं। तो पहले अब नेक्स्ट चलते, मान लो HDFC ने यूएसए इन्वेस्टर NRI वर्ड सुना है, जो यूएसए फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे उन्होंने लोन उठाने का सोचा। मान लीजिए अभी $1 चल रहा है 50 रुपए, कितना चल रहा है $1 चल रहा है 50 रुपए, तो बताइए ये कितना लोन देंगे उन्हें? $2 लोन देंगे, इन्हें $2 मिलेगा और अल्टीमेटली इन्हें क्या मिला, इन्हें चाहिए क्या था, तो $2 मिला और बदले में ये वापस कर देंगे। साल भर का मान लो लोन लिया है तो साल भर बाद वो वापस हो जाएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर एग्जाम, एग्जाम में आ चुका है व्हाट इज मसाला बॉन्ड इन CA एग्जाम, ठीक है? तो $2 आपको यहां पर मिलेंगे और आप अकॉर्डिंगली इसे पेमेंट कर देंगे आज से साल, दो साल बाद। इनको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर होगा नॉर्मली कंपेरेटिवली कम होगा, यस और नो? लेट से इनको इंटरेस्ट 7% ऑफर हो रहा है, 6% ऑफर हो रहा है, तो बड़ा अट्रैक्टिव है यूएसए इन्वेस्टर के लिए। बट इसमें ड्रॉबैक है, इसमें भी एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि मान लीजिए एक साल बाद जब मैं उसे पेमेंट रिटर्न करने जाता हूं, एक साल बाद क्या करने जाता हूं, पेमेंट रिटर्न करने एक साल बाद जाता हूं, तो मुझे $2 वापस करने पड़ेंगे। मैंने कितने लिए थे? मैंने $2 लिए थे, $2 मुझे वापस करने पड़ेंगे, बोलो यस। तो एक बार मैं इंटरेस्ट को हटा रहा हूं, किसको हटा रहा हूं, इंटरेस्ट को हटा रहा हूं, मैं सिर्फ प्रिंसिपल का आपको बात करवा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा बने। तो मान लीजिए एक साल बाद, आफ्टर वन ईयर लेट से अगर बनता है $1, मान लीजिए $70 हो गया, $1 इक्वल टू रुपीज 70 हो गया, तो आप बताइए आपको कितना प्रिंसिपल का वापस कितना करना पड़ेगा, 100, और इसमें भी इंटरेस्ट और देना और बाकी है। ओ माई गॉड, लिया 100 रुपए और देना पड़ रहा है 140 रुपए, और अभी इंटरेस्ट प्लस 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 और क्या, इंटरेस्ट और देना बाकी, ये तो भी प्रिंसिपल चुका रहे हैं आप। इसमें भी प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। माइंड ब्लोइंग SFM का सिलेबस बनाया है ICAI एंड अदर CMA इंस्टीट्यूट ने, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को भी हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो अब क्या चाह रहा है, अब क्या करें, यहां भी प्रॉब्लम है। तीसरा ऑप्शन एंड दैट इज अ मसाला बॉन्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। एचडीएफसी को क्या चाहिए था, एचडीएफसी को क्या चाहिए था, 100 रुपए चाहिए था। यस और नो, इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बताइए, इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बताइए जिसने मसाला बॉन्ड इश्यू किया था, एचडीएफसी। इसलिए मैंने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया, 100 रुपए चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टर को बॉन्ड इश्यू करेगा, बॉन्ड इश्यू करेगा, बॉन्ड इश्यू करेगा इन रूपी डिनोमिनेशन, इन रूपी डिनोमिनेशन, मतलब ये आपको 100 ही देगा। फॉरेन इन्वेस्टर आपको 100 रुपए दे रहा है और जो बॉन्ड इश्यू किया जा रहा है वो रूपी डिनोमिनेशन में किया जा रहा है, मतलब एक साल बाद जब हमें पे करना पड़ेगा इसे तो हम कितना पे करेंगे, 100 रुपए पे करेंगे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यहां कौन ले रहा है, इन्वेस्टर या इश्यूअर, इन्वेस्टर ले रहा है, हमें कोई रिस्क हुआ ही नहीं। इसे कहते हैं मसाला बॉन्ड। मसाला वर्ड क्यों आया ये भी बता रहा हूं, ये भी बता रहा हूं, मतलब ये जो बॉन्ड इश्यू किया जाएगा वो रुपी डिनोमिनेशन में किया जाएगा, मतलब आपको रुपए ही मिलेगा और रुपए ही देना है और हैंस यहां सारा रिस्क गायब हो गया, कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं ला रहा। जब भी रुपए गिरता है ना तो गवर्नमेंट मसाला बॉन्ड को प्रमोट करती है ताकि सब रुपए में पैसा लगाए, रुपए में पैसा लगाए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर रुपए में पैसा ज्यादा लगाएंगे तो रुपए की वैल्यू, तो इन्हें रुपए तो चाहिए होगा ना कहीं से, ये कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाएंगे रुपए, तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी कि गिरेगी, बढ़ेगी, और मेरे को भी फायदा हो गया, मेरा कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ही नहीं हुआ। और इन्हें, आपको लग रहा है सर फॉरेन इन्वेस्टर को नुकसान है, ऐसा नहीं है, इनको इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है, 6% हम दे रहे हैं, 7% दे रहे हैं, जो ऑलरेडी इनको बहुत अच्छा लग रहा है, और प्लस ये भी अपना कॉस्ट बेनिफिट देख कर ही लगाएंगे, कोई जबरदस्ती कोई पैसा नहीं लगाने वाला होगा। और ऐसे बॉन्ड्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं आजकल, इंडियंस बॉन्ड्स सब लेना चाहते हैं। अभी मैं सब आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसका कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अच्छा भूलोगे कभी ये मसाला बॉन्ड, कभी नहीं भूलोगे। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे, मसाला बॉन्ड द फ्लेवर ऑफ द मोमेंट। मसाला नाम क्यों पड़ा, ठीक है ये भी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। सबसे पहले मसाला बॉन्ड समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक तरह का लोन होता है, यस और नो, अगर कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी और प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देगी 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी उसकी मैच्योरिटी होती है। एक तरह का ये लोन होता है, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लोन दैट एन इन्वेस्टर प्रोवाइड्स टू कंपनी और गवर्नमेंट। ये सिंपल एग्जांपल, अगर हम बॉन्ड का एग्जांपल लें, 1000 रुपए अगर आपने किसी कंपनी में लगाया है 10% कूपन पेमेंट के हिसाब से 10 ईयर्स के लिए, तो आपको हर साल कितना मिलेगा, हर साल आपको मिलेगा 100 रुपए और 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा, 1000 रुपए। ये सिंपल बॉन्ड का डेफिनेशन हुआ। अब मसाला क्यों आया ये बताने वाले बात है, अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, अपने आप आएगा। मसाला बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी। मसाला बॉन्ड आर बॉन्ड इशूड आउटसाइड बट डिनोमिनेटेड इन, इसकी डिनोमिनेशन किस पे होगी, ये रुपए पे इसका काम होगा, रुपए लिया या दिया जाएगा। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मसाला बॉन्ड इश्यू किया था लंदन में। आईएफसी वॉज द फर्स्ट कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू इश्यू मसाला बॉन्ड इन इंडिया, फॉर इंडिया इन लंदन, लंदन में इश्यू किया गया। इंडियंस को तो नहीं लेना है तो इंडिया में क्यों इश्यू किया जाएगा, लंदन में इश्यू किया गया था तो लंदन के जो इन्वेस्टर है उन्होंने इस पे पैसा लगाया था। ये सुनो, ये आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है जिन्होंने ये सबसे पहले इंडिया के लिए करा था कि इंडिया वालों भी अपने रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू करें ताकि इंडिया की भी डिमांड बढ़े। तो आईएफसी इश्यू 10 बिलियन इंडियन रुपी इन नवंबर 2014, फर्स्ट इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। द पर्पस ऑफ इश्यू वाज टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया, मतलब इस पैसे को कहां यूज किया जाएगा,
इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। आईएफसी ने सोचा कि इस बॉन्ड का नाम क्या रखें, तो आईएफसी ने सोचा इंडिया को किस लिए जाना जाता है, तो इंडिया नॉर्मली वर्ल्ड में फेमस है मसाले के लिए, तो इसलिए आईएफसी ने मसाला मींस स्पाइस एंड द टर्म वाज यूज्ड बाय आईएफसी फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रोवाइड एन इंडियन साइड टू इंडियन का थोड़ा टच रहने के लिए इसे मसाला वर्ड यूज किया गया। मसाला का यह मतलब नहीं कि यह पैसा मसाला में लग रहा है, मसाला मतलब यह नहीं है कि पैसा मसाला के कंपनी में लग रहा है, मसाला से बस इतना लेना देना कि इंडिया को मसाला रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइस। ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा किया गया, जापान में भी जब ऐसे बॉन्ड्स इश्यू करते तो समुराई बॉन्ड्स बोला जाता, समुराई, और अगर चाइना में ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है, डिम सम बॉन्ड्स। तो इंडिया के लिए मसाला बॉन्ड्स कॉइन किया गया, आईएफसी ने इस वर्ड को कॉइन किया पहली बार। ठीक है सर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइस, इंडिया के स्पाइस वर्ल्ड में हर जगह जाते हैं, इसलिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मसाला वर्ड यूज किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मसाला बॉन्ड इज टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंटरनल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और बोरिंग और इंटरनेशनलाइज ओमिनियन करेंसी, और ओमिनियन करेंसी को पूरे वर्ल्ड तक लेके जाने के लिए यह ऑब्जेक्टिव है मसाला बॉन्ड की, कि इंडियन करेंसी में भी सब काम करे, क्योंकि सब डॉलर में काम करना चाहते हैं, इंडियन करेंसी में कोई काम नहीं करना चाहता, हेंस मसाला बॉन्ड आया। द बॉन्ड्स आर डायरेक्टली डिनोमिनेटेड टू द इंडियन करेंसी, सो इन्वेस्टर्स विल डायरेक्टली टेक द एक्सचेंज रेट रिस्क। कौन रिस्क लेगा? इन्वेस्टर। इफ द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी फॉल्स, द फॉरेन इन्वेस्टर विल हैव टू बियर द लॉसेस, नॉट द इश्यूअर व्हिच इज एन इंडियन एंटिटी और ए कॉर्पोरेशन। यस और नो बताओ, $1.50 था, अब $1.70 हो गया, करेंसी की वैल्यू गिर गई कि बढ़ गई? गिर गई। यस और नो, द कॉस्ट ऑफ बोरिंग वी मसाला बॉन्ड कुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी लोअर देन डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो मसाला बॉन्ड में कम होता है। इफ द कंपनी इश्यूज एनी बॉन्ड इन इंडिया इट कैरीज लगभग 9% देना पड़ता है उनको, और मसाला बॉन्ड कितने में वो दे देता है? 7%, वो भी बहुत अच्छा अनुमान जाता है, तो कम से कम 1-2% का सेविंग है इंटरेस्ट रेट पे। एडवांटेज टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज है? द इन्वेस्टर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। अगेन आपको इनकम टैक्स देखना पड़ेगा इसके और करंट रेगुलेशन को जानने के लिए। इंडिया बीइंग द फास्ट गोइंग इकोनॉमी, इंडिया वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी बनने वाली है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगाना चाहते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि रिटर्न अच्छी मिलती है इंडिया में, इसलिए बाहर वाले लोग भी इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं। Currently these bonds are listed on London, मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, तो इसे buy sell भी कर सकते हैं। कहां पर? इंडिया का कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, इंडिया के इन्वेस्टर तो है ही नहीं, तो लंदन में आप buy sell कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड को लिस्ट भी कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नॉर्म चलता है, आरबीआई ने 2015 में ऐसे बॉन्ड की रेगुलेशन निकाली थी, मिनिमम मैच्योरिटी, कम से कम मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 5 साल होनी चाहिए, और 750 का एक लिमिट लगाया था बोरोवर के लिए, जो कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा आरबीआई के अप्रूवल के बाद। हु कैन इन्वेस्ट इन मसाला बॉन्ड? फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एचडीएफसी, एनटीपीसी एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग आर अमंग इंडियन कॉर्पोरेट्स विच हैव रेज्ड फंड्स वीया दिस ऑप्शन। बहुत सारी कंपनी ने और किया है, ये मेन कंपनीज है जिन्होंने मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया है। HDFC रेस मसाला बॉन्ड 3,000 करोड़ का, फर्स्ट एवर एक कंपनी के लिए ये फर्स्ट एवर इशू था इंडिया के लिए जिन्होंने मसाला बॉन्ड इशू किया। दे आर सो, एंड नीचे आप जब आर्टिकल्स पढ़ोगे तो इट वाज ओवर सब्सक्राइब, मतलब बहुत डिमांड हुआ, 4 गुना से ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। चार, और कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा था उसमें? 7.875% पर एनम इंटरेस्ट। फॉरेन इन्वेस्टर की तो चांदी हो गई, उनको इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। यस और नो, और हमारी भी फायदा हो गया, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर को तो 10% भी अच्छा नहीं लगता। यस और नो, अलग अलग कंट्री का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। मसाला बॉन्ड हैव बिकम द हॉट इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडियन कंपनी, ये अब आजकल हर कंपनी मसाला बॉन्ड इश्यू करना चाहती है। मसाला बॉन्ड, जब भी रुपए गिरता है गवर्नमेंट मसाला बॉन्ड को प्रमोट करता है। व्हाट आर दे, हाउ गवर्नमेंट प्लान्स टू चेक रुपी फॉल थ्रू देम? जब भी रुपए गिरता है मसाला बॉन्ड को गवर्नमेंट प्रमोट करता है। इंटरेस्ट ऑन मसाला बॉन्ड इज टैक्स एग्जेम्प्ट, जो कि मैंने बता दिया आपको। आरबीआई बोरिंग लिमिट्स ईज कर देता है, मसाला बॉन्ड को
खोल दिया आरबीआई ने कि आपको जहां से पैसा उठाना उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ने की भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एनटीपीसी ने 2000 करोड़, देखिए 2000 करोड़ कितना वास्ट अमाउंट लोग देना चाहते हैं, बाहर के लोग कितने पैसा इंडिया में लगाना चाहते हैं आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, इंडिया प्लान 750 मिलियन ऑफ मसाला बॉन्ड सेल टू बिल्ड रोड्स, लो रोड्स, ये सब पैसे कहां लगते हैं, ये सब पैसे किस काम में लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगते हैं। तो हेंस यही कहूंगा कि मसाला बॉन्ड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया है। लर्न मोर अर्न मोर।